दादा साहेब फाल्के, जिन्हें हम इंडियन सिनेमा के फादर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1913 को मुंबई में इंडिया की सबसे पहली मूवी रिलीज की, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। पर क्या आपने कभी ये ढूंढने की कोशिश की है कि राजा हरिश्चंद्र इस मूवी से पहले भी इंडिया में कोई फिल्म रिलीज हुई भी है या नहीं, और अगर हुई है तो वो किसने बनाई, और जिसने फर्स्ट फिल्म रिलीज की उसे छोड़कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दादा साहेब फाल्के जी के राजा हरिश्चंद्र इस मूवी को फर्स्ट फिल्म का दर्जा क्यों देती है? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस आदमी के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड नहीं देती है? इन सारे सवालों के आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंडियन सिनेमा के बारे में आज आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 18 मई 1912 को दादा साहेब तोर ने इन्होंने भारत की सबसे पहली फिल्म मुंबई कोरोनेशन मूवी थिएटर इस थिएटर में रिलीज की, और लगभग एक साल बाद इसी मूवी थिएटर में 3 मई 1913 को दादा साहेब फाल्के जी ने अपनी पहली मूवी रिलीज की, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और इस मूवी को हम ऑफिशियली भारत की सबसे पहली फिल्म भी मानते हैं। पर ऐसा क्यों है कि राजा हरिश्चंद्र रिलीज होने से एक साल पहले दादा साहेब तोरने जी ने अपनी फिल्म रिलीज की, फिर भी हम उस मूवी को भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म का दर्जा नहीं देते और राजा हरिश्चंद्र को देते हैं? इस टॉपिक पर आज भी क्रिटिक्स की बहुत बड़ी डिबेट है कि कौन सी फिल्म को फर्स्ट फिल्म का दर्जा देना चाहिए और किस फिल्म को नहीं। तो मैं आपको डायरेक्ट एक तरफा रीजंस बताना सही नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आप दादा साहेब तोर ने इनके बारे में जाने और ओवरऑल इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के बारे में जाने और अपना ओपिनियन आप खुद बनाएं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मूवीज और टॉकीज इन दो शब्दों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ लें। जब मूवीज पहली बार बनना चालू हुआ तब वो बस एक साइलेंट मूविंग पिक्चर्स थे जिसमें आवाज नहीं हुआ करता था, इसीलिए उसे बस मूविंग पिक्चर्स या फिर मूवीज बोला जाने लगा। पर जब फिल्मों में साउंड ऐड किया जाने लगा तब उस फिल्मों को टॉकीज बोला जाने लगा, क्योंकि उसमें आवाज हुआ करती थी और लोग एक दूसरे से बात करते थे, यानी कि टॉक किया करते थे। जब 19वीं सदी में पहली बार वेस्टर्न कंट्रीज में फिल्में बनना चालू हुआ, इसी समय भारत में 1885 में महादेव गोपाल पटवर्धन इन्होंने शांबरिका खरोलिका इस नाम का एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने अपने हाथों से छोटे छोटे इंसानों के चित्र बनाए और उन्हें एक के बाद एक ऐसा बनाया मानो कि वो छोटे छोटे इंसान हिल रहे हो। आप इसे आज के दिन के एनिमेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। हालांकि ये आज के दिन के एनिमेशन से काफी डिफरेंट था, फिर भी इसकी मेथोडोलॉजी काफी हद तक सेम थी, और इसीलिए हम इस चीज को भारत का सबसे पहला एनिमेशन भी मान सकते हैं। इसके बाद 19वीं सदी खत्म होने से पहले ही हरिश्चंद्र सकाराम भाटवडेकर, जिन्हें हम सावे दादा इस नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भारत की सबसे पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। हुआ ये कि 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने सबसे पहली बार इंडिया में वैटसन होटल में उनकी शॉर्ट फिल्म दिखाना चालू किया। सावे दादा ने ये फिल्में देखी और फिल्मों में उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने लंदन से अपने लिए एक कैमरा और एक प्रोजेक्टर मंगवाया और वो मुंबई की डे टू डे लाइफ शूट करने लगे। ऐसे ही उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म शूट की, जिसमें हैंगिंग गार्डन में कृष्णा नावी और पुंडलिक दादा के बीच में कुश्ती हो रही थी, उसे उन्होंने शूट किया और उस शॉर्ट फिल्म का नाम रखा कुश्तीचा लघुपट, यानी द रेसलर्स, और इसी नाम से मुंबई के कैपिटल थिएटर में उन्होंने ये शॉर्ट फिल्म दिखाई। ये शॉर्ट फिल्म शुरुआत में केमिकल प्रोसेसिंग के लिए इंग्लैंड जाने वाली थी, पर थोड़े ही वक्त में सावे दादा ने ये टेक्निक भी सीखी और खुद ही अपनी फिल्मों की केमिकल प्रोसेसिंग करके उसे परफेक्टली प्रोजेक्टर पर रिफ्लेक्ट करना भी सीख लिया। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता रहे कि दादा साहेब तोरने और दादा साहेब फाल्के इनसे पहले भी कोई फिल्मों का शौकीन रह चुका है। 7 जुलाई 1896 सेम टाइम पर जब सावे दादा लुमियर ब्रदर्स की शॉर्ट फिल्म देखकर इंस्पायर हुए, तभी अराइवल ऑफ द ट्रेन नाम की लुमियर ब्रदर्स की शॉर्ट फिल्म देखकर रामचंद्र गोपाल तोरने एके दादा साहेब तोरने भी इंस्पायर हुए और उन्हें लगा कि मुझे भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। तोरने जहाँ पर रहते थे वहीं पर पास में एक ड्रामा का क्लब था जो एक बार एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसका नाम था श्री पुंडलिक। वो ये ड्रामा देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो गए थे और उनको ये ड्रामा काफी पसंद आया, इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने बाद में सारे कास्ट को मिलकर उनके काम की तारीफ भी की। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और यही उनकी इस ड्रामा के राइटर के साथ मुलाकात हुई। इस ड्रामा को देखकर उनको एक फिल्म बनाने का आइडिया आया और वो काम पर लग गए। पर अब फिल्म बनाना आता किसको था? किसी को भी नहीं। इसीलिए जुगाड़ लगाकर उन्होंने हॉलीवुड के कुछ लोगों से कांटेक्ट किया और जानकारी हासिल करना चालू किया, जैसे कि क्या टूल्स इस्तेमाल होंगे, इन सब में खर्चा कितना होगा और बाकी सारी टेक्निकल चीजें। इन सब में नाना साहेब चित्रे नाम के एक आदमी ने उनको इकोनॉमिकली काफी हेल्प की,
एक तरीके से वो इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर ही थे, हालांकि इनके बारे में इतने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दादा साहेब तोरने जी ने फिर कलकत्ता की बॉन एंड शेपर्ड इस कंपनी से एक रिपेयर किया हुआ कैमरा खरीदा। इस मूवी को बनाने के लिए वो आज के दिन की तरह कोई डायरेक्टर या राइटर नहीं बने, उन्होंने श्री पुंडलिक इस ड्रामा को बस अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि ये रिकॉर्डिंग भी किसी जॉन नाम के अंग्रेज आदमी ने की थी। अब श्री पुंडलिक रिकॉर्ड होने के बाद उसकी केमिकल प्रोसेसिंग के लिए उसे लंदन भेजा जाता है, जिसकी पॉजिटिव प्रिंट मुंबई आती है और नेगेटिव प्रिंट लंदन में रखी जाती है। और फिर 18 मई 1912 को इस मूवी को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफ इस थिएटर में रिलीज किया जाता है, और वो भी राजा हरिश्चंद्र ये मूवी रिलीज होने के एक साल पहले। ये फिल्म 1500 फीट लंबी थी और इसका रन टाइम 22 मिनट का था। ये फिल्म थिएटर में 2 हफ्तों तक चली, फिर भी ये फिल्म इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियल फिल्म नहीं बन पाई, क्योंकि दादा साहेब फाल्के इनके राजा हरिश्चंद्र ये मूवी एक एक्चुअल मूवी थी जिसकी आज की फिल्मों की तरह शूटिंग की गई थी, जबकि दादा साहेब तोरने इनकी फिल्म श्री पुंडलिक बस एक थिएटरिकल ड्रामा की रिकॉर्डिंग थी। और यही सबसे मेन मुद्दा रहा है जिस पर यह बहस होती है कि श्री पुंडलिक इंडिया की फर्स्ट फिल्म होनी चाहिए या नहीं। पर यह कोई अकेला मुद्दा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी की केमिकल प्रोसेसिंग लंदन में की गई थी, इसकी प्रोसेसिंग इंडिया में या फिर किसी इंडियन आदमी के द्वारा नहीं की गई थी, इसीलिए हम इस मूवी को प्योरली इंडिया मेड नहीं कह सकते। हालांकि इसमें लगने वाला सारा पैसा दादा साहेब तोरने और उनके टीम का था, फिर भी हम इसे इस वजह से प्योर इंडियन मूवी नहीं कह सकते। और तो और श्री पुंडलिक मूवी किसी और हॉलीवुड मूवी के साथ साथ सेंसर करके एक ही साथ थिएटर में दिखाई गई थी, जैसे कि आप इसी मूवी के पोस्टर पर ही पढ़ सकते हो कि उस मूवी का नाम डेड मैन्स चाइल्ड था। वही दूसरी तरफ राजा हरिश्चंद्र एक फुल्ली इंडियन मेड और इंडिपेंडेंटली सेंसर्ड मूवी थी, और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ बहुत सारे लोग इसी फिल्म को इंडिया की फर्स्ट फिल्म मानते हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा कि दादा साहेब फाल्के जी और राजा हरिश्चंद्र इस मूवी को जो भी रिकॉग्निशन मिला है वो सब तो ये डिजर्व करते ही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो सब ये डिजर्व करते ही है, उन्होंने भी कोई कम स्ट्रगल नहीं किया है। लेकिन अभी आप दादा साहेब तोरने इनके अगले कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में सुनोगे तो खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि फिल्म अवार्ड दादा साहेब तोरने इनके नाम से दे या दादा साहेब फाल्के इनके नाम से दे। दादा साहेब तोरने उस दौरान ग्रेव्स कॉटन नाम की कंपनी में काम किया करते थे और उनका तबादला मुंबई से सीधा कराची में कर दिया गया। वहां भी वो चुप नहीं बैठे, वहां उनकी मुलाकात बाबूराव पई नाम के एक आदमी के साथ हुई और उन्होंने साथ में मिलकर कराची में हॉलीवुड मूवीज को रिलीज करना चालू किया। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी खोली और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग ऑफिसेस खोले। कुछ सालों बाद वो वापस मुंबई आए और मुंबई आकर उन्होंने मूवी कैमरा कंपनी चालू की। यूरोप में हो रहे वर्ल्ड वॉर की वजह से उन्होंने अमेरिका में अपने कनेक्शंस बनाना चालू किया, ताकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी मूवी इंडस्ट्री को लगने वाला सारा सामान वो बाहर से यहाँ इंपोर्ट कर पाए। और उनके इन एफर्ट्स की वजह से उस टाइम काफी नई फिल्में बनना चालू हुई। आगे 1929 में अपने साथी बाबूराव पई के साथ उन्होंने फेमस पिक्चर्स नाम का एक ज्वाइंट वेंचर चालू किया। ये एक मूवी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी थी जिसने हॉलीवुड मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत सारा पैसा कमाया। फेमस पिक्चर्स बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज को इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और इसी वजह से दादा साहेब तोरने जी को ये समझ में आ गया था कि अब डे बाय डे टॉकीज बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए उन्होंने आगे का सोचकर एक टॉकी मशीनरी खरीद ली और अमेरिकन की हेल्प से सीख लिया कि उसे यूज कैसे करना है। रॉयल आर्ट स्टूडियो में काम करते हुए उनकी मुलाकात आरदेशीर ईरानी इनसे हुई थी, जिनकी फिल्म कंपनी के लिए उन्होंने आगे चलकर 2 मूवीज भी डायरेक्ट की। पर फिर भी ये दोनों फिल्में साइलेंट मूवीज थी, इसीलिए उन्होंने आरदेशीर ईरानी को एडवाइस किया कि जो भी आप अगली वाली फिल्म बनाओगे वो एक टॉकीज के लिए बनाइए। दादा साहेब तोरने जी ने ईरानी जी की इंपीरियल कंपनी के टेक्नीशियंस को टॉकीज की मशीनरी कैसे यूज करते हैं वो सिखाया और 14 मार्च 1931 को आलमारा नाम की भारत की सबसे पहली फिल्म जो साउंड के साथ बनी थी वो रिलीज हुई। पता नहीं ऐसा क्यों है पर विकिपीडिया और जहां पर भी आलमारा का नाम आता है वहां पर कहीं पर भी दादा साहेब तोरने इनके नाम का जिक्र भी दिखाई नहीं देता। खैर, आगे चलकर उन्होंने पुणे में अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की जिसका नाम था सरस्वती सिनेटोन। इस फिल्म कंपनी के द्वारा बनाई गई श्याम सुंदर नाम की पहली फिल्म इंडिया की पहली सिल्वर जुबली मूवी बनी। इसी कंपनी की दूसरी मूवी औदगट के राजा, इस मूवी में सबसे पहली बार डबल रोल का यूज किया गया। दादा साहेब तोरने जी ने अपने कार्यकाल में टोटल 20 मूवीज बनाई, जिसमें से बहुत सारी मराठी थी,
कुछ हिंदी थी और कुछ मराठी और हिंदी दोनों थी। आप ये लिस्ट देख सकते हो कि कौन सी फिल्में साइलेंट थी और कौन सी फिल्में साउंड वाली थी। उन्होंने अक्षर ओळख यानी कि अक्षरों की पहचान इस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था, इसका उद्देश्य प्योरली सोशल कमिटमेंट था। 1947 को जब दादा साहेब तोरणे किसी काम से बाहर गए थे, तब उनके कुछ साथी उनका कैमराज और शूटिंग का बहुत सारा महंगा सामान चुरा कर पाकिस्तान लेके चले गए और उनके बहुत सारी मूवीज की कॉपीज भी जला दी गई। इसी चीज की वजह से उनको काफी बड़ा सदमा लगा और उनको हार्ट अटैक भी आया, पर उन्होंने उनकी माँ की मदद से इन सारी सिचुएशन का सामना किया। श्याम सुंदर इस मूवी की सक्सेस की वजह से उनको एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पुणे के घर में अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड की और 19 जनवरी 1960 को वो चल बसे। दादा साहेब फाल्के जी ने अपने टेन्योर में टोटल 9 फिल्में बनाई और दादा साहेब तोरणे जी ने अपने टेन्योर में टोटल 20 फिल्में बनाई। दादा साहेब फाल्के जी ने उनकी आखिरी मूवी 1937 को बनाई और दादा साहेब तोरणे इन्होंने उनकी आखिरी फिल्म 1942 को बनाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दादा साहेब फाल्के जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। ऑफकोर्स अगर उनकी बस 9 ही फिल्में हैं, फिर भी उनकी क्वालिटी दादा साहेब तोरणे की फिल्मों से भी ज्यादा हो सकती है, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दादा साहेब तोरणे जी को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो मिलना तो दूर की बात है, हमें तो उनका नाम भी पता नहीं है। इसीलिए इस लेजेंडरी पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलने के लिए इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। हम लोग आजकल टीवी पर मूवी देखते देखते भी रील स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं, इसीलिए मैंने बिना सोशल मीडिया छोड़े शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से बचने के लिए एक वीडियो बनाई है। मैंने इस वाली वीडियो में 4 ऐसी टिप्स बताई है जिसका इस्तेमाल करके आप रील्स के एडिक्शन से दूर भाग सकते हो, वो भी बिना सोशल मीडिया एप्स को छोड़े। अगर आपको भी रील्स एडिक्शन से बचना है तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखना, मैं आपको उसी वाली वीडियो में मिलूंगा।